विच किनिया नमाज़ा अल्लाह ताला ने साडे नामा अमाल दे विच अजर अता फरमा दिता कि सारा साल इंसान रोज़गार दे पिछे चलता है और इस तो इलावा जदों रमज़ानुल मुबारक दा महीना आंदा है तो मुसलमान मस्जिद दे विच बाजमात नमाज़ा अदा करते ने और रोज़े रखते ने। मस्जिदा अलहम्दुलिल्लाह बड़िया शानो शौकत नाल आबाद हो जांदियां ने और जदों रमज़ानुल मुबारक गुजर जाता है तो मस्जिदा दे विच कुछ मस्जिदा दे विच नमाजी बहुत ही कम हो जाते हैं। जेड़े मुस्तकिल पक्के नमाजी होंदे ने वही रह जाते हैं, बड़िया हुई मस्जिदा बिल्कुल वीरान हो जांदियां ने। तो मस्जिद भी पुकारदी है कि ऐ अल्लाह दे बंदे कि क्या मैं रमज़ानुल मुबारक वास्ते बनी सा, तू इत्थे इबादत सिर्फ रमज़ानुल मुबारक वास्ते करदा सी कि ऐ अल्लाह दे बंदे कि ए अल्लाह दी मस्जिद शरीफ अल्लाह दा घर हर वक्त इबादत वास्ते है और हर वक्त सानू चाहिदा है कि असी अल्लाह दे घर दे विच आके इबादत करिए ताकि अल्लाह ताला इस अपने घर के बदले सानू बहुत बड़े अजर अता फरमांदा है और तमाम तर मुसीबतां परेशानियां अल्लाह ताला रफा दफा फरमा देंदा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने कि हज़रत अब्दुल्ला दी नज़र बैनाई नज़र नहीं आ रहा सी और आप मस्जिद शरीफ दे विच आके नमाज़ पढ़ते सन। एक बच्चे नूं नाल लियांदे सी और मस्जिद शरीफ दे विच आके नमाज अदा करते सन और जदों एक दिन ऐसा होया कि मस्जिद शरीफ दे विच आवण दा इरादा किया तो बच्चा कोई नहीं ते आप परेशान हो गए। जदों परेशान होए तो अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च आहोजारी की फरियाद की कि ऐ मालिकुल मुल्क के अगे बच्चा कोल हुंदा सी मैं मस्जिद शरीफ च लैके जांदा सी, अज मेरे कोल वो बच्चा नहीं है, या मेरे अल्लाह मैं मस्जिद दे विच जाना है और मैं जमात नाल नमाज अदा करनी है और क्यामत वाले दिन या अल्लाह मैं परेशान ना होवां क्योंकि अल्लाह पाक दी पकड़ बहुत सख्त है। तो आहुजारी की अल्लाह तबारक व ताला दी दरबार च दुआ की कि या मेरे अल्लाह तू मेरे ते फजल फरमा और मेरा सबब पैदा फरमा ताकि मैं मस्जिद दे विच जाके नमाज अदा करा। जदों आंसू बहाए गिरिया जारी की और अल्लाह ताला दी दरबार दे अंदर जदों हद तो ज़्यादा जदों अल्लाह ताला दी दरबार च उन्होंने फरियाद की अल्लाह तबारक व ताला नू, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दी वो फरियाद पसंद आ गई। अल्लाह ताला ने उस फरियाद नू ऐसा पसंद फरमाया कि अखां दे विच नूर शाह अता फरमा दिता। जदों नूर अता फरमाया आपने महसूस किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, मेरे यानी कि अखां दे विच पहले नज़र नहीं आता सी, आज तो बिल्कुल ठीक हो गई। आप फौरन उठे अल्लाह ताला दे घर दे विच आके नमाज अदा फरमाई और शुकराने दे नफल अदा किते। तो भाइयो सानू चाहिदा है कि असी हर हाल दे विच अल्लाह ताला ने तंदरुस्ती अता फरमाइए, अल्लाह तबारक व ताला ने हर लिहाज नाल साडे ते फजल फरमाया है और सानू चाहिदा है कि असी मस्जिद दे विच आके पंजगाना नमाज बा जमात अदा करिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे जमाना दे विच एक नेक औरत सी और जड़ी नमाज दी बहुत बड़ी पाबंद सी। जदों इंसान अल्लाह तबारक व ताला दी बारगाह दे विच ज़्यादा झुक जाएगा और अल्लाह ताला दी इबादत करेगा, जिक्र अजकार करेगा, तो फिर शैतान जड़ा है शैतान नू मौका मिलता है, उसने मौका हासिल करके वो इबादत गुजार नू परेशान करता है। जदों परेशान करता है, जदों ईमान पुख्ता हो जाता है और कामले ईमान हो जाता है तो फिर शैतान रद्दा जाता है, शैतान दा विश्वसा वा वेला ख़त्म हो जाता है और वो
बंदा जिहड़ा इबादत कर रहा हुंदा है उस ते शैतान दियां चालां कुछ असर नहीं करदियां। तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम दे दौर दे विच एक औरत जिहड़ी नमाज दी बहुत बड़ी पाबंद सी, जदों नमाज दी पाबंद सी, नमाज पढ़ रही सी, तो शैतान आया औरत दी शक्ल विच और आ के उस अल्लाह दी बंदी नूं औरत दी शक्ल विच आ के कहिंदा है कि माई साहब कि तुसी नमाज पढ़ रहे जे, तुसी नाल है तंदूर ते रोटियां लाइयां सन ते तुहाड़ियां रोटियां जलियां जा रही हैं, रोटियां तो उतार लो, सलाम फेरो और रोटियां तंदूर दे विच्चों उठा लो, ये सारियां रोटियां तुहाड़ियां जल गईयां। उस अल्लाह दी मकबूल बंदी ने उस दी तरफ कोई तवज्जो ना दित्ती और अल्लाह दी इबादत दे विच मसरूफ रही। जदों शैतान ने वेख्या कि मेरा वस नहीं चलता, उसने होर ताकत वाला मुजाहरा किया। जदों उस माई साहब का एक छोटा बच्चा सी, शैतान ने की किया उस बच्चे नूं उठा के तंदूर दे विच सिट दिता। जदों तंदूर दे विच सिट दिता तो अगे औरत दी शक्ल च आ के माई साहब नूं कहिंदा है कि माई साहब कि तुहाडा बच्चा अग दे विच सड़दा पिया, तंदूर जला जा रहा है, तुसी नमाज पढ़दे पै जे। तो उस अल्लाह दी बंदी ने इतना पुख्ता ईमान सी कि उस अल्लाह दी बंदी ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया, सिर्फ अल्लाह दी इबादत एक मसरूफ रही। जदों अल्लाह दी नमाज पढ़ी और सलाम फेरा और दुआ मांग के जदों उठे, जदों देखिया कि तंदूर दे विच की है, तंदूर दे विच जो जड़ी अग सी वह गुलाब दे फुल्लां नाल गुलजार हो के पत्तियां बन गई सी। तो मेरे भाइयो, सानू चाहिए कि असी नमाज दे पाबंद हो जाइए ताकि ये नमाज सानू पंजगाना वक्त जिहड़ी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है इस ते असी पाबंद हो गए, साडा पुख्ता ईमान हो गया, तो अल्लाह ताला साडी दुनिया भी आसान फरमा देवेगा और आखरत भी आसान फरमा देवेगा। तो मेरे भाइयों, नमाज दे विच जिहड़े लोग सुस्ती करते ने उहदे बारे सर